सबसे पहले मैं जब सीनियर टीम में आया, आई वॉज 18, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था सीनियर टीम में जब मैंने कदम रखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत बड़े नाम्स थे जैसे कि शरद कमल, सत्यन, हरमित ब्या, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वो सिचुएशन, क्योंकि जब हम जूनियर से सीनियर्स में जाते हैं तो इतना ईजी नहीं होता कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली भी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, इन द सेंस एक तो हम सेम सिटी से हैं, तो हम लोग पहले तो साथ साथ में रुकते थे, फिर साथ साथ में मुझे वैसे खाना के बहुत मिस करता था, मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो उनके साथ रह रहे के हम लोग इधर उधर खाना ढूंढते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और कोई मुझे मिला कि जिससे मैं गुजराती में बात कर सकूँ, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और हम लोग धीरे धीरे साथ में डबल्स खेलना शुरू कर दिए, वो मुझे काफ़ी गाइड करने लग गए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो इस एज में उनको भी आए थे और जो मुझे भी आ रहे हैं, और उससे मैं कैसे उससे मैं आराम से उसको मैं पार कर सकता हूँ और मैं अच्छा खेल सकता हूँ, और फिर मुझे इंटरनेशनल पे कहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहिए, कौन से कोचेस के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सब काफ़ी चीज़ों में मुझे हेल्प किया है, और आज हम लोग एक ही टीम से अभी आने वाले नेशनल गेम्स में सूरत में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और डबल्स भी खेलने वाले हैं, तो काफ़ी मैं खुश हूँ। और मैं भी ऐसे कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी अगर और प्लेयर्स अपने गुजरात से ऐसे आ रहा है तो उनको भी ऐसे मैं हेल्प करूँ और उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर सकूँ। जब मैंने शुरू किया था तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा या गुजरात को रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने ऐसे ही एज अ हॉबी शुरू किया था, बट मैं जहाँ पे खेलता था वहाँ पे मेरे जो फर्स्ट कोच थे वाहिद मालू भाई, वो काफ़ी अच्छे कोच थे, उनके पास काफ़ी स्टेट चैम्पियंस थे, तो उनके साथ खेल खेल के मैं धीरे धीरे मेरा गेम इम्प्रूव होता गया और मैंने भी अच्छा खेलना शुरू किया, तो धीरे धीरे एक होप आने लग गया कि मैं भी एक दिन गुजरात के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और स्लोली स्लोली 3-4 साल बाद मैंने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया अंडर 12, अंडर 15 में, और आज मेरे लिए एक ऐसे ड्रीम मोमेंट है कि मैं आज अपने होम क्राउड के सामने सूरत में, जो कि नेशनल गेम्स होने वाला है, तो वो मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं होप करता हूँ कि मैं अपने होम क्राउड के सामने अच्छा खेल पाऊँ, और मैं और भी अच्छा करना चाहता हूँ कि गुजरात के लिए मेडल्स भी लाना चाहता हूँ और इंडिया के लिए भी आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में मेडल्स लाना चाहता हूँ। शरद कमल जो है, जो इंडिया के लेजेंड है टेबल टेनिस के, वो अभी लास्ट कॉमनवेल्थ में भी जैसे 4 मेडल्स लेके आए, 3 गोल्ड 1 सिल्वर, वो मेरे हमेशा से मेंटर रहे फ्रॉम 2017, तो मैं उनके पास काफ़ी बार खेलने जाया करता हूँ, वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ माय ट्रेनिंग एंड प्लानिंग, जितने भी मेरे टेक्निकल फ्लॉज है या जितने भी मेरे वीक पॉइंट्स है और स्ट्रेंथ्स है, वो मुझे आई थिंक इन एंड आउट जानते हैं, और मैं भी आफ्टर ईच एंड एवरी मैच है, आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रेनिंग मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे कम्युनिकेशन करूँ कि आज मैंने ट्रेनिंग में ये किया या ये नहीं किया और मैं आगे क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरा गेम और इम्प्रूव हो। और डिस्पाइट बीइंग एन अपोनेंट, वो मुझे हमेशा ही हेल्प करते आ रहे हैं, वो अलग बात है, मैं आज तक उनसे कभी जीता नहीं हूँ, बट मैं होप करता हूँ कि ये नेशनल गेम्स में मैं उनके साथ अगर मेरा मैच आता है तो मैं उनको जीतूँ। बट ही इज़ एब्सोल्युटली लेजेंड फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर मेनी पीपल, एक बहुत बड़े मोटिवेशन है कि एट दिस एज ऑल्सो इज़ प्लेइंग सो वेल, और आई थिंक मैं होप करूंगा यस कि मैं उनसे जीतूं और वो भी और अच्छा करे और मैं भी उनके जैसे और अच्छा कर सकूं, उनके रिकॉर्ड सारे तोड़ सकूं।